नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारों के पक्ष में खड़ी होते हुए 10 दिवसीय रोजगार गारंटी पदयात्रा की शुरुआत की है, जो प्रयागराज से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगी। दोस्तों, यह किसी पार्टी का प्रचार नहीं, बल्कि ये बताना है कि इन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहली घोषणा इन्होंने की है, युवाओं को रोजगार, रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता, भर्ती आवेदन फॉर्म शून्य होगा, आप प्रवेश पत्र जो जारी होगा वही बसों के लिए मुफ्त पास का काम करेगा, सभी लंबित भर्तियों को 6 माह के अंदर भरा जाएगा, संविदा नहीं अस्थाई नौकरी की गारंटी है, सभी आयोगों में मासिक कैलेंडर के माध्यम से भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दें कि यह किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि सभी बेरोजगारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संगठन द्वारा अगर ऐसे घोषणा पत्र बनाए जाते हैं तो उन घोषणा पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, ताकि अगर निकट भविष्य में ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनसे सही मुकम्मल सवाल किया जा सके। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि अगर किसी और संगठन द्वारा अगर कोई घोषणा की जाती है तो उसकी भी चर्चा हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। दोस्तों, अपने प्रतिनिधियों को उनके द्वारा किए गए वादों की कसौटी पे कसा जाना चाहिए और उनसे मुखर सवाल किए जाने चाहिए। आप लोगों की इस पे क्या राय है, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आगे दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।